हे गाइस, क्या सब सब लोग आप सुबह स्वागत है गिरते हुए एक और नए ब्लॉग में। आई होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और घर बैठ के मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। आज 21 मार्च और आज समय लास्ट पेपर का सो है, हाँ ले रही हूँ। तो गाइस मैं गई थी मतलब कल, मैंने 4 सिलेंडर 4 स्प्रे और 8 पैकेट रख गए, मैं ले गई थी बैग के अंदर की होली खेलने, ठीक है। मैंने छुपाया था बिल्कुल पेड़ों के बीच में, बिल्कुल घासों के बीच में छुपाया था। पता नहीं किसने मेरे स्कूल वालों में से पता नहीं किसने वो देख लिया और वहाँ है ना पता नहीं कौन दो और लोग चले गए, उन्होंने क्या करा बैग निकाला, मेरे सारे स्प्रे सब रख लिया और बैग अलग दिए रख दिए, उन्होंने छुपाया था वहाँ। तो गाइस बस इतनी गाली निकल रही है ना मुंह से, बहुत गाली निकल रही है मुंह से गाइस, मतलब सब बना रहे तो होली मेरी होली मना नहीं दी उन्होंने। और भाई चलो स्प्रे ले लिया सब ले, पर गए रंग एक पैकेट तो छोड़ देते, वो भी नहीं छोड़ा गए उन्होंने। तो गाइस हम जा रहे हैं पेड़ पर, मैं मम्मी और ज्योति चाची। तो चलो मैं कपड़े सिंगा लूँ, उसके बाद अगला ब्लॉग बनाऊंगी। चाय मेरी आ चुकी है, आज था मेरा लास्ट पेपर। गाइस होली का ब्लॉग देखना ना भूल ले, तो इन किसी को एडिट करूँ या ना करूँ बट इस ब्लॉग को जरूर एडिट करूँगी। तो अब हम पीएंगे चाय। बस अब हम चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद जब जाएंगे और परसों शाम को मम्मी को हो गया था बुखार, हमें चाय सो मम्मी को हो गया था बहुत बुखार, उसको बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब मम्मी से उठा भी नहीं जा रहा था। मैं सोच रही ब्लॉग बनाऊँगी बट मम्मी का अभी थी ऐसे हालत नहीं बनाते हैं, तो मम्मी का बस कल भी था बट मम्मी ने बहुत हिम्मत करी, मम्मी उठी, मम्मी ने खाना वाना मनाया, सफाई वफाई की, मेरे को स्कूल भी। तो परसों मम्मी की बहुत हालत खराब थी, अभी फीवर है, अभी बॉडी में फीवर वैसे जल्दी जाता नहीं है, 5-6 दिनों में जाता है फीवर। तो आज तो तीसरा दिन ना, तो अभी रहे हैं मम्मी। अगर आपसे तबीयत पूछना तो पूछ लेना, बाकी आपको तो पता ही होगा। अगर आपको मेरे वीडियो देखनी है वो भी मेरी आईडी प्राइवेट नहीं है, मेरी आईडी पब्लिक है। सो गाइस मैं कुछ ऐसे फॉलोअर जिन्हें मैं फॉलो बैक दे रही हूँ, तो जल्दी से मैं नीचे है ना इधर अपनी इंस्टा आईडी दे दूँगी, आप जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो आपको भी मेरी ओर से फॉलो बैक मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। तो जल्दी करो फॉलो मेरे को, जल्दी गाइस फटाफट करो मेरे को फॉलो और देखते हैं भगवान की कृपा करो कि तुम्हें मैं फॉलो बैक दूंगी या नहीं दूंगी। सो मैंने कुछ लोगों को, कुछ मेरे रिश्तेदार हैं मैंने उन्हें भी ब्लॉक कर रखा है, मैं नाम बता देती हूँ सब पता चल जाएगा, जो ब्लॉग देख रहा हूँ उन्हें चल जाएगा। तो चंचल रानी ब्लॉग्ड है क्योंकि ब्लॉग्ड है वो मेरी, क्योंकि वो इंस्टा आईडी चलाती हैं, उनके इंस्टा आईडी डिलीट हो चुके हैं तो फालतू के कुछ रखने को कुछ फ़ायदा नहीं है, उनकी दोनों आईडी को मैंने ब्लॉक कर दिया है। यहाँ तक मैंने अपने भाई की भी आईडी ब्लॉक कर दी, मैंने शिवानी मतलब जो पापा है ना, पापा की जो बुआ है, बुआ की बेटी शिवानी, मैंने उन्हें भी ब्लॉक कर रखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर रखा है, जहाँ तक जो मेरे रिश्तेदार मैंने उन्हें ब्लॉक कर रखा है जिससे वो मेरी वीडियो आ दे। तो गाइस भगवान से दुआ करो मैं, या फिर मैं आपको ब्लॉक करूँगी या फिर मैं आपको फॉलो बैक दूँगी खुद ही खुद। गाइस जल्दी से करो मुझे फॉलो, मेरी आईडी नीचे दिख रही होगी, जल्दी करो आपको फॉलो बैक मिलेगा। तो पहले मैं चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करने के फिर निकलते हैं, तब तक के लिए वेट। अब
आगे का आपको अभी दिखाऊंगी। इधर से एंट्री है और उधर से जाना है, इधर से गाड़ी ने पता नहीं क्या ब्लॉगिंग बना दी। एक मिनट जाओ भाई, इधर से एंट्री, इधर से एग्जिट अपनी, ये जो भी करता है वो चलाते हैं। ये देख लो भाई, देखो ब्लॉगर की जो जिंदगी होती है भाई, मैं भी ब्लॉगर हूँ, सब मैं बना रही हूँ, अगर ब्लॉगर ना होती मैं बनाती हूँ। इधर साइड में मेट्रो, उसके बाद ये चाची का दो पता नहीं कितने राउंड लगाते हैं, इस पर भी एक लगता है, इस पर एक लगता अंदर होता है। सत्संग प्रेम भक्तजनों, कहा है कि जब इंसान चलो बंदर का दिखाती हूँ आपको, ये देखो पतले सी जगह बना रखे हैं, मैं सब तो जाऊंगी। बस मेरा बना रखा है, चलते हैं अब आ जाएंगे अपने भाई। बस मैं करवा रहे थे, मैं वो इधर के इधर जो एंट्री भी वहाँ से है, एग्जिट भी वहाँ से है। आगे तो मैं तो कुछ अंदर भी है, हाँ वो तो पहले था थिएटर, हाँ वही था, अब भूल गई, एक साल पहले आए थे ना, पर थोड़ा सा अंदर से दिखा देती हूँ। ये हम अंदर जाएंगे, ये मुझे पता नहीं है कि किसकी है ये, बट मम्मी से पूछ रहा हूँ। सामान हम मेरा ये हमारा ये चाची का मतलब चल मेरी मम्मी, हम अंदर चल एक किसके मुझे नहीं पता, हम सब पूछेंगे। एक फैन के साइड हूँ ना, बट इसके बाद अभी मिल गए था, इसका भी एक ग्राउंड था और इसका भी एक ग्राउंड था। तभी मैं आपको एग्जिट दिखाती हूँ, एग्जिट भी इधर से है और अंदर आने का भी इधर से। बाहर जाके मैं इतना बनाऊँगी नहीं, अंदर से बना रही क्योंकि सुन बैठता, क्योंकि बाहर ज़्यादा लोग देखते हैं, अभी तो अंदर कम लगे हैं ना।
तो देख लो। मम्मी क्या है? ये क्या है? बाबा इसके अंदर बाहर लोग जाता है फिर तो बाहर लोग लोग तो दिखा रही जैसा फोन मैंने इस पर रखा है। इधर से एग्जिट है और इधर से वह जाना। बॉयज को है पता नहीं इसमें क्यों करते हैं ऐसा, मुझे नहीं पता। नौकर मैं दिखा पा रही हूँ आपको ये है क्या? वैसे मैं भूल गई कहाँ आया हूँ। मैं व्लॉग बनाता थी और मुझे ये याद नहीं है हमारे कहाँ है। तुम बता दो, बताओ सबको अपने मुंह से। बताओ क्या बताऊँ? ये हम कहाँ पे आए हैं? हम पीर बाबा पे हैं। सॉरी याद नहीं है ना, कुछ चुड़ी के जाऊँगी। मैंने फोन ऐसा रखा था, मैंने आते हुए भी नहीं तो जाते हुए तो मेरी चाची कोई देख ना ले। सबसे मैंने ऐसा कर रखा है फोन लगाया इस टाइम पर। मुझे को पता नहीं लग रहा इधर इधर पहली बार बनाई है ना। हाँ ये पहले थी नहीं, पहले थी ना थी, ये बनाई हुई है। तो रुको जरा, भाई हाथ में लग जाए कोई कुछ नहीं। इधर से एंट्री है और इधर से एग्जिट है। ये भी चाची चलो पढ़ ये लो आंटी पैसे दे। ठीक है सर, हमारा है ये, हमारा है ना प्रसाद। हाँ क्या चीज़ पूछो? चाची ना थोड़ा सा तेल रह गया है, तेल रह गया थोड़ा सा। चढ़ा दिया सर जी ने, तो जहाँ लास्ट में चढ़ाया था ना वहाँ वहीं पर रख देती। मैंने तो शीशी वहीं रख दी। वहीं रखे बेटा कहाँ पर? शीशी को कहा करो और तेल पलटना, शीशी दे जाओ। वो भरा पड़ा है कहाँ पर रखना है? रखना कहाँ पर है? डिब्बा रखा होगा। अच्छा हाँ उसे पलट दिया। एक मिनट में आ रही हूँ। घर में तो ना घर में पटना से अगर फोन पे उठ रहा है सुंदर आ रहे हैं। अरे इससे फोन आएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जिसमें बहुत छोटा। टीका लगा लो मेरे।
करा भाई। अब थोड़ा एग्जिट करते हैं यार। उसमें डाल लिया कोई बात। 70 रुपये ना थी तेल चढ़ा के उसमें डाल दी तुम पार्टी से। चलो ब्लॉग बना रही हूँ ले उधर मैं तो अभी दिखाऊंगी मैं कोई देख ना देख रहे लोग देख रहे हैं ना बना कर अब मैं दिखाऊंगी कहाँ से मेट्रो आती है उस साइड से आती है मेट्रो देखो उस साइड से मेट्रो आती है सबसे वो आवाज़ आ रही है ना 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 उनके पास वो ही रहते हैं हम पास में उनके। हाँ चलो किसका फोन आया पता नहीं चलेगा सीरियसली मेरी भगोती ले आई तो इस वहाँ से आती है मेट्रो पास करके दिखाते हैं बिल्कुल वहाँ से आती है मेट्रो मेट्रो की आवाज़ वहाँ से आती है पहले थोड़ा जो जहाँ से गाड़ी आई है ना जैसे गाड़ी है जहाँ से गाड़ी है पहले घूम के वहाँ से आते थे बट वहाँ थोड़ी दीवार वाल लगा के अब सीधा इधर से इधर आते हैं कोई लंबा चौड़ा घूमने की ज़रूरत नहीं है इधर। तो इस बार मंदिर एक साल लगा था मैं वो जितना बनाने की कोशिश करी मैंने बना ली। हाँ बाकी शाम को मैं आती जो बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर होते हैं ना उनकी यही बस चौदह 15 मिनट की होती है और मेरी पूरी पूरी वो तो 30 मिनट की होती है। आज था मेरा लास्ट पेपर हैं पेपर तो सही गए पेपर तो सही आते हैं मैडम ये वो गलत नंबर देती है हां वो गलत देती है ना नंबर गलत है मैडम ये वो काट काट के देती है सही नहीं देती चेक नहीं करती बच्चे कभी कहेंगे आज मेरा पेपर अच्छा ना गया पेपर तो सबके ही बढ़िया जाते हैं ना मैंने कही एक बार मेरा मैथ का अच्छा जाता ही ना कभी मैं कद कहूँ मैथ में कि मेरा अच्छा गया अगर नहीं कहूँ मैथ में बेकार गया मैं थारी नहीं कैसे ले मैं थी बेकार है बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा सर्दी में गर्मी होगा महंगा होता है गर्मी में होगा सब महंगा होता है सर्दी में तो सस्ता होता है अच्छा महंगा हो जाएगा हम दिखाऊंगे कि हम कहाँ से जाते हैं तो आई थी कल तीनों आई चारों आई हैं। हाँ। देखने गई
बिल्कुल मोमोज वाला अगर ये खड़ा नहीं होता तो ये सीमेंट की है, ये दुकान है बहुत सारी बिल्कुल सामने है। आ चुके हैं हम, आपको जितना दिखाना था मैंने दिखा दिया। देखो मैंने बस जाने की नहीं दिखाई से रोटी वाला कुछ भी लग रहा होगा। हाँ ये लग रहा है, इधर लग रहा होगा। तो देखो मैं आपको हर चीज़ की देखिए अंदर जाने के नहीं दिखाई थी, बस वो मैंने चालू कर दी थी। मैंने आपको मंदिर भी दिखाया था, फिर वहाँ तक भी दिखाया, फिर वहाँ से गोल घूमे वो थी, फिर वहाँ से गोल घूमे वो भी दिखाया था। मैंने अंदर रूम में जाकर तो आपको वो भी दिखाया था, फिर उस वाले का भी दिखाया था, उस वाले का वो एग्जिट भी दिखाई थी मैंने। मैंने आपको सब चीज़ दिखाया था देखो जितना हो सकता है। और अभी मैंने बाहर कितनी दिखाई तो सोचो होली पे तो हम घर के अंदर ना कि ज़्यादा दिखाओगे, फिर मैं एक भी चीज़ स्किप नहीं करूँगी, आपको सारी सारी दिखाऊँगी। फिर पकौड़े भी खाएंगे। हम फिलहाल में ये लाए हैं, ये है तरबूज, ये है पपीता, ये है अंगूर। वैसे मम्मी लाई हैं अंदर को, तूने देखे नहीं कितने गंदे पानी में धोते हैं ये केमिकल में? दीदी अभी अंगूर ऐसा मत खाइयो, केमिकल में देखे मैंने धोते भी आई है। भाई तुम लोग खाना
मेरे पास मम्मी तो करेंगे सफाई में। तो गाइस वहाँ से लेके सारा चीज दिखाया, अब मैं थक चुकी हूँ गाइस, एडिटिंग में बहुत देर लग गई। इस वीडियो को तो मैं अभी शाम को डालूँगी। तो गाइस और गाइस कभी स्कूल में कलर मत ले जाना प्लीज़, चाहे किसी का भी स्कूल मत ले जाना होली वाले दिन। जब मेरे साथ में ना सब निकाल लिए और बंदे ने सब निकाल के वही रख दी ना पता ना चले, अच्छे मुँह से गाली निकल रही है बहुत ज़्यादा भाई। कभी लेके मत जाना कला, पापा को फोन ना मैंने चल दिया तो हो गया लेके गई लेके क्यों। अगर ना झूठ बोल देती मैं कह देती हाँ मैंने होली मनाई के मैं मुँह धो के आई हूँ कपड़े साफ करके आई हूँ तो क्या पता चलता, वही मैंने बता दिया तो ये है। मतलब भाई ये होता है पापा का कि सच बताओ जब भी वो और झूठ बोलो, अगर इतने में तो अगर झूठ बोलो ना तभी सही रहते हो आप, आप सच बोलोगे फिर आपकी वो होगी। जैसे कभी मत बोलना सच। अब मैं इस ब्लॉग को एडिट करूँगी, लेटे लेटे एडिट करूँगी, सेव वेव करके फिर मैं जाके यूट्यूब पर डालूँगी। तो तब के लिए बाय बाय। गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ क्योंकि कल हम जाएंगे मम्मी की चाची के यहाँ, तो कल का ब्लॉग मैं ना बोले तो मुझे एडिटिंग नहीं करना, मुझे दो घंटे में देखो वो सब कुछ हो सेव हुआ। तो तब तक के लिए बाय बाय। कल का ब्लॉग देखना ना बोलना और मुझे बताना कि आज का ब्लॉग मैंने कैसे बनाया है और वो कैसे लगे हमारे, मतलब हम गए थे जहाँ भी हम गए थे सो, तो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना। राधे राधे।